ना प्रसाद जी, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे अदालत से बाल कल्याण की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए। हम आपकी दूसरी बच्ची को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन हम डोरी को एडमिशन नहीं दे सकते। पापा, मैंने आधा पर्चा लिखा था। तो कहाँ गया कागज? खा गया? लिखा था, सपने में लिखा होगा। गलती मेरी है, मैंने कैसे सोच लिया कि एक रात में तू इतना पढ़ लेगी, पर रात भर जागकर दिन में तो तू सोएगी ना। पापा, ये सब इसकी गलती है। मैंने तो इसे कितने बार उठाया, पर ये तो सो ही नहीं थी। नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। आंखें तो मेरी खुल गई है, मैंने तुझे अनुशासन नहीं सिखाया। अरे आज तक तूने कभी खिलौनों के लिए जिद नहीं की, तो तू पढ़ाई के लिए जिद कैसे करेगी? मैं ही समझ नहीं पाया। नहीं पापा, ये आपकी गलती नहीं है, मुझे तो सब जवाब आते थे, ना जाने कैसे आंख लग गई। और सपना टूट गया, अब ही समझ जाओ। बेटियां सिर्फ बोझ होती है और उस बोझ तले तुम दबते जा रहे हो। ये जो भी हो रहा है ना, उस सब के पीछे आपका हाथ है।